उदयपुर में लेक सिटी कैमरा क्लब की ओर से आयोजित लेक व्यू फोटो प्रदर्शनी का बुधवार को समापन हो गया। नामचीन कलाकारों के साथ नवोदित कलाकारों को कला का मंच देने के लिए क्लब 8 साल से काम कर रहा है। इस प्रदर्शनी में 30 से ज्यादा कलाकारों की 120 से ज्यादा पेंटिंग और फोटोग्राफ्स प्रदर्शित की गई। खासतौर पर नन्ही चितेरी, श्लोका अग्रवाल और युवा चित्रकार निर्मल यादव ने लाइव पेंटिंग बनाकर सभी को आकर्षित किया। प्रदर्शनी में कलाकारों और कला के कद्रदानों से बात की हमारे एवं संवाददाता रवि मल्होत्रा ने। फोटोग्राफी और पेंटिंग्स का शौक सभी को होता है, लेकिन फोटोग्राफी के अंदर जो जरूरी बातें होती है, जो बारीकियां होती है, वो आपके अंदर होना जरूरी है, तभी आप एक अच्छे फोटोग्राफर या एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हैं। और ऐसे ही जो शौक रखने वाले हैं जो फोटो में और पेंटिंग में, उन लोगों को जोड़कर लेक सिटी कैमरा क्लब ने अपना एक पूरा एक जो इनका क्लब है वो चलता है, और वो इन लोगों को सिखाता है कि आखिर आपको फोटो किस तरह से लेनी चाहिए और किस तरह से आपको पेंटिंग्स करनी चाहिए। और ऐसे जो लोग उनके साथ अब जो अच्छे कलाकार बन चुके हैं, जो एक मंझे हुए कलाकार बन चुके हैं, उनकी जो फोटो एग्जीबिशन है आज वो यहाँ पर उदयपुर में लगी हुई है। और करीब 30 से ज्यादा आर्टिस्ट की जो पेंटिंग उदयपुर में यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर कई लाइव डेमो भी चल रहा है, जिसके अंदर जो एक शहर की जो एक बाल चितेरी है श्लोका, उसने भी अपनी लाइव पेंटिंग यहाँ पर बनाई है। हम श्लोका से बात करेंगे कि क्या उन्होंने आज यहाँ पर बनाया है और कब से वो पेंटिंग करी है। अपना नाम है? मेरा नाम श्लोका अग्रवाल है। ये पेंटिंग मैंने एक्रेलिक कलर से बनाई हुई है और मैं बहुत सालों से सीख रही हूँ। यहाँ पे आने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला है। यहाँ पे जैसे बच्चों जिन्हें करना है उनको मोटिवेशन मिल रहा है। थैंक यू। छोटी बच्ची है और अभी शुरुआत में ही वो, क्योंकि इतने अच्छे क्लब से जुड़ चुकी है, तो उसको काफ़ी मोटिवेशन भी मिला है। यहाँ पर कुछ भी और लोग भी हैं जो यहाँ पे विजिटर्स के रूप में आए हुए हैं और देखने के लिए आए थे कि किस तरह की पेंटिंग्स यहाँ पर लगी है। विजुअल्स में आप देखिए कि यहाँ पर जो भी पेंटिंग लगी है वो जो है नेचर से रिलेटेड भी है। यहाँ पर वो कुछ डिवोशनल भी है, चाहे वो राधा कृष्ण की हो, सबसे ज़्यादा पेंटिंग जो राधा कृष्ण की और ये होती है वो यहाँ पर है। कोई अच्छे फोटोग्राफ्स जो हैं यहाँ पर लोगों ने जो खींचे हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट किए हुए हैं। यहाँ पर आपको कुछ पक्षी भी दिख जाएंगे जो अमूमन लोगों को बहुत कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ विजिटर्स आए, हम उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ पर देखने आए हैं तो उनको किस तरह का यहाँ पर जो है अच्छा लगा यहाँ पर। जी बताएं आप कहाँ से हैं? हाँ, मैं गुजरात से हूँ, गुजराती छूँ हूँ, पर एक फोटोग्राफर छूँ ने आप फोटोग्राफी जो इन्हें मैंने बहु इंस्पायर थी छूँ आना थी मने बहुत सारूँ लग्यू। एक्चुअली हूँ ग्रुप शो लैने अँ बागोनी हवेली में आवेली छूँ, तो सर आया था ने मने इन्वाइट कर्यु ने मने आ एक नवी ट्रिक आमा जोवा मळी छे के फोटोग्राफी केवी रीते प्रेजेंट करवी, एडिटिंग केवी रीते, मतलब के एडिटिंग वाली फोटोग्राफीज ने बधुं, तो अलग अलग नवी ट्रिक जोवा मळी छे ने नवू नवू सारूँ एवं जोवा मळ्युं मने अहींया, અને ઘણું બધું મોટિવેશન મને અહીંયાથી મળ્યું છે। ये एक आर्टिस्ट है, गुजरात से आई हुई है और इनको यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि जब एक कलाकार किसी दूसरी कला को देखता है तो उसको देख के काफ़ी खुशी होती है कि जो प्रकृति के जो रंग हैं या चाहे जो लाइव फोटोग्राफी है वो उसको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर सजाया गया है। यहाँ पर हमारे साथ में कैमरा क्लब के जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कुछ और विजिटर्स हैं उनसे भी हम बात कर लेंगे पहले एक बार, उसके बाद हम लोगों से बात करेंगे कि पेंटिंग देखने आप आए कहाँ से। मेरा नाम प्रीति अग्रवाल है, मैं पैसिफिक यूनिवर्सिटी से हूँ। मैं यहाँ पे फोटोग्राफ्स एंड पेंटिंग्स देखने आई हूँ जिसकी एग्जीबिशन लगी है, और बहुत डिफरेंट स्टाइल से फोटोग्राफ्स खींची हुई है जो अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते। काफ़ी अच्छे आइडियाज़ मिल रहे हैं एंड बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सब लोगों के लिए। इट्स वेरी मोटिवेशनल। थैंक यू। अच्छा प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर आर्टिस्ट को दिया गया है, चाहे वो फोटोग्राफ्स के जरिए अपनी कला को यहाँ प्रदर्शित करते हो, चाहे पेंटिंग के जरिए प्रदर्शित करते हैं। कुल मिलाकर ये है कि इस 5 दिन के एग्जीबिशन में काफ़ी कुछ लोगों को यहाँ सीखने के लिए मिला है और आज इसका समापन है, और जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी पेंटिंग्स को जो प्रदर्शित किया, काफ़ी उनकी पेंटिंग जो यहाँ पर सोल्ड भी हो चुकी थी, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हुआ है। कैमरामैन अभिषेक के साथ रवि मल्होत्रा, A1 TV, उदयपुर।